नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी थाना अंतर्गत करताना चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आईजी दीपिका शूरी, एसपी एएसपी के निर्देशन में करताना चौकी प्रभारी हेमेंद्र पटेल के नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर सूचना पर गोंदा गांव खुर्द नर्मदा प्रसाद कुशबंधिया के पुत्र के पास से 57 लीटर महुआ की कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर सूचना पर गोंदा गांव खुर्द में महुआ की कच्ची शराब बनाने का काम चल रहा था। जानकारी पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी भूरा और अर्जुन को गिरफ्तार किया और कार्रवाई भी की गई है। साथ ही 57 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। पुलिस ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा रामेश्वर गोस्वामी, सहायक नीचे चौकी करता नाम पदस्थ जी। अच्छा, ये दारू का क्या मामला है, क्या कार्रवाई हुई इसमें? कल दिनांक 30/11/21 को श्रीमान प्रभारी महोदय हेमलेंद्र पटेल जी थे जी। उनको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई जी। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय के निर्देशन, एडिशनल महोदय के निर्देशन में जी, और श्रीमान थाना प्रभारी महोदय टिमरनी, उनके मार्गदर्शन में ग्राम गोंदा गांव खुर्द पहुंचकर जी, भूरा कंजर नामक व्यक्ति जी, जो नर्मदा प्रसाद कंजर का लड़का है जी, वो हाथ भट्टी की कच्ची शराब 4 कुप्पों में रखे हुए था जी। हमारा स्टाफ की दबिश देकर श्री हेमलेंद्र पटेल जो प्रभारी महोदय हैं, उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई, जिससे 57 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई जी। लगभग लागत क्या होंगी इसकी? अनुमानित लागत 5,700 रुपये जी। क्या मामला दर्ज हुआ इस? 34-2 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आज आरोपी को न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।